अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोग ब्लीडिंग हैंड का फ़ोटो देख रहा है जो कि मेरा रियलमी 8 से इसको लिया गया था, ठीक है। तो इस फोटो दोस्तों एक बिल्कुल एडिटेड फ़ोटो है, ऐसा एडिटेड फ़ोटो जो कि लोगों को शक लगा देते हैं। ऐसा फ़ोटो आप लोग कैसे एडिट कर पाएंगे अपना मोबाइल से, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना होगा आपका फ़ोन का जो कैमरा है यहाँ पर, ठीक है। और कैमरा में यहाँ पर आने के बाद में आपको एक फ़ोटो मतलब खींचना होगा पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देख हम आपको दिखाते हैं, ये माइक को थोड़ा सा अच्छा करके रखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम लोग एडिट करेंगे, इस हाथ यहाँ पर मेरा हाथ रहेगा और ऐसा रहेगा मेरा बैकग्राउंड, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम लोग एडिट करेंगे तो ऐसा करके एक फ़ोटो लेना होगा। बस फोटो लेने से पहले आपका जो हाथ है यहाँ से हटा देना होगा, ऐसा करके हटा देना होगा और इस फ़ोटो को क्लिक करना होगा। फ़ोटो को मैंने क्लिक कर लिया है, ठीक है। अभी क्या करना होगा, आपको कैमरा को क्लोज कर देना होगा और अभी जाना होगा आपको आपका जो फ़ोन है फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र पर जाना होगा आपको। मैंने क्रोम को खोल दिया। अभी क्रोम ब्राउज़र पर आपको क्या लिखना होगा, क्या सर्च करना होगा, यहाँ पर आपको सर्च करना होगा हैंड ब्लीडिंग पिक्चर लिख के सर्च करना होगा, ठीक है। और यहाँ से आपको ये जो इमेजेस है यहाँ पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर लाखों से भी ज़्यादा ब्लीडिंग हैंड का फ़ोटो आपको मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों उस फ़ोटो को रियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फ़ोटो को चुन लेना होगा, आपको चूज़ करना होगा जो अच्छा फ़ोटो है उसी को आप लोग चूज कर लीजिएगा पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल इस फ़ोटो को हम लोग एडिट करेंगे, रियल में कन्वर्ट करेंगे, जो कि जो फ़ोटो मैंने कैमरा से लिया है वहाँ पर इसको लगा देंगे। इसको लगाने के लिए सबसे पहले इस फ़ोटो को डाउनलोड करना होगा आपको। तो मैंने इस फ़ोटो को डाउनलोड कर लिया है। अभी इसका जो बैकग्राउंड है इसका बैकग्राउंड हटाने के लिए, मतलब कोई भी फ़ोटो आप लोग सेलेक्ट करते हैं उसको पहले उसका जो बैकग्राउंड है वो हटाना पड़ता है, ठीक है। बैकग्राउंड हटाने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा, क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करना होगा remove.bg, ठीक है, और सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद में ऐसा आएगा, यहाँ से आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करना होगा और जिस फ़ोटो को हम लोगों ने डाउनलोड करके रखा है यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसको सेलेक्ट करना होगा। कोई भी फ़ोटो आपने चुन लिया है, ठीक है, उस फ़ोटो को सेलेक्ट करना होगा और उसका जो बैकग्राउंड है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली जा चुका है, अभी इसको डाउनलोड कर लेना होगा। इस फ़ोटो को करते हैं डाउनलोड, तो ये डाउनलोड हो गया, इसको ओपन करके देखते हैं। और जैसे फ़ोटो ये डाउनलोड हो जाता है इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो JPG से PNG हो जाता है। ध्यान रखिएगा एक बात, ऐसा फ़ोटो शक लगाने वाला फ़ोटो एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले जो फ़ोटो है उसको PNG में कन्वर्ट करना होगा और ये फ़ोटो ऑटोमेटिकली PNG में कन्वर्ट हो चुका है अभी, ठीक है। जब रिमूव बीजी से करेंगे तो इसका बैकग्राउंड भी चला जाएगा और PNG में आ जाएगा। अभी क्या करना होगा, आपको सब कुछ क्लोज कर देना होगा और आपका फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहना पड़ेगा जिसका नाम है लोगोपिट प्लस, ये वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद में जब यह खोलेंगे ऐसा एक इंटरफेस आएगा, यहाँ से आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक करना होगा। क्रिएट न्यू पर मैंने क्लिक कर दिया। अभी यहाँ से ये जो पोस्टर का ऑप्शन है पोस्टर, यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ से ब्लैंक पर जाना होगा और यहाँ पर क्या करना होगा, जो फ़ोटो हम लोगों ने पहले अपना मोबाइल से क्लिक किया है उस फ़ोटो को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए कैमरा यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ से क्रॉप एंड एड पिक्चर यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ से गैलरी पर क्लिक करना होगा और अभी जाना होगा कैमरा पर, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले लिया था ये वाला फ़ोटो। इसको करते हैं पूरा क्रॉपिंग, फुल क्रॉपिंग कर देते हैं और इसको क्रॉप पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा आ गया है। अभी इसको क्या करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ दोनों साइड में और इस साइड में लेफ़्ट साइड में इसको रख देता हूँ मैं इस फ़ोटो को। अभी यहाँ पर जो फ़ोटो का जो वाटर मार्क है वो भी नीचे में आ गया है, शूट ऑन रियलमी 8 5G, ठीक है, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि ये फ़ोटो रियल है, एडिटेड नहीं है। अभी क्या करना होगा, इस फ़ोटो को हम लोगों ने यहाँ पर ला चुका है, मतलब सेलेक्ट कर चुका है। अभी फिर से आपको क्रॉप एंड एड पिक्चर पर क्लिक करना होगा और यहाँ से फिर से गैलरी पर जाना होगा और अभी जो PNG फ़ोटो हम लोगों ने डाउनलोड किया है, मतलब जो रिमूव बीजी से जिसको हम लोगों ने डाउनलोड किया है उसको अभी यहाँ पर लाना होगा। इसको लाने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करना होगा और ये पहला वाला इसको हम लोगों ने एडिट किया है, ठीक है, रिमूव बीजी में इसको लगाया था
इसका जब बैकग्राउंड चला, मतलब जब इसका बैकग्राउंड हट जाता है उसके बाद में इसका बैकग्राउंड में कुछ नहीं दिखेगा, बस ब्लैक कलर दिखेगा। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं और थोड़ा सा क्रॉप भी कर देते हैं। अभी ये क्रॉप भी हो गया है, ठीक है, क्रॉप भी हो गया। अभी बस इसको क्रॉप पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको इसको रिसाइज करना होगा, थोड़ा सा रिसाइज कर देना होगा। इस साइड में हम इसको ऐसा करके रिसाइज करते हैं। इसको रिसाइज भी कर दिया। अभी आप देखिए यहाँ पर यह जो फ़ोटो था ये ऐसा दिख रहा है, ताकि मेरा खुद मेरा जो हाथ है वो यहाँ पर हम दे के इसको फ़ोटो लिया ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अभी इसको सेव करना होगा। अभी इसको सेव कर देते हैं और HD में इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं और डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। अभी ये डाउनलोड हो गया है, यहाँ पर एक ऐड आ चुका है, ऐड हमें नहीं देखना है। ठीक है, तो अभी क्या करना होगा, आपको फिर से गैलरी पर जाना होगा और इस फोटो को थोड़ा सा क्रॉप करके हमेशा के लिए रख देना होगा। ठीक है, तो अभी जाता हूँ मैं एल्बम और यह से आपको जाना होगा पिक्सर पर, लोगो पिट का फोटो पिक्सर पर आता है और यहाँ पर ये वाला फ़ोटो देख सकते हैं जिसको हम लोगों ने अभी अभी एडिट किया है, वो लोगो पिट प्लस है। ठीक है, तो अभी क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा एडिट करना होगा और क्रॉप करना होगा। क्रॉप करने के लिए आप अगर स्नैपशीट का इस्तेमाल करते हैं वह से भी कर सकते हैं, फ़ोटो लेप से भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको क्रॉप कर देते हैं, इसको भी क्रॉप कर दिया मैंने और सेव कर देते हैं। यह पर देख सकते हैं यह जो फ़ोटो है ये बिल्कुल रेडी हो गया है और रियल फ़ोटो जैसा ही है, जो जिसको कोई एडिट भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अभी अगर आप चाहते हैं कि किसी को आपको शक लगाना है, ठीक है, किसी को इम्प्रेस करना है, तो आप लोग इसको कुछ भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।